हेलो माय डियर फ्रेंड्स आई एम साजिद खान राइट वंस अगेन एम बिफोर यू टू टीच यू द कन्सेप्ट ऑफ मॉडल वर्फ्स राइट इससे पहले भी मैंने मॉडल वर्क के बारे में कुछ चर्चा किया था राइट देखो आज सीखो जब तक नो मॉडल वर्क रिलेटेड कन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है राइट चूँकि जब फिलर्स आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स उसमें ऑप्शन जो होते हैं वो शुड कुड माइट मास्ट आउट टू यूज टू डेयर नीड में लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं राइट इसलिए मैं आसान तरीके से आपको सिखाऊं सो प्लीज देखो फॉर एग्जांपल मैं एक मॉडल वर्ब यूज करूं कैन राइट right, और दूसरा क्या है खोड इसी तरह से एक वर्ड मॉडल वर्ब क्या है मे और माइट राइट फिर देखो डिफरेंस मैं आपको सिखाऊंगा शुड मस्ट टू ठीक है फिर आपको मैं यू सिखाऊंगा वुड एंड यूज ओके सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको पहले मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब्स का मीनिंग क्या होता मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस एबिलिटी पॉसिबिलिटी कैपेसिटी राइट रिक्वायरमेंट नेसेसिटी ऑब्लिगेशंस इसे हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं राइट मैंने ये भी बताया था कि जितने भी मॉडल वर्ब्स आते हैं उसके बाद हमेशा वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आता राइट अगर हम उसको परफेक्ट फॉर्म में यूज़ करें ठीक है जैसे यू शुड हैव डन दिस वर्क तो डन से पहले एक वर्ड आया हैव राइट तो इस तरह के कई पार्ट्स मैंने पढ़ाए थे मॉडल को कैसे सिंपल फॉर्म में यूज़ करते हैं कैसे कॉन्टीन्यूस में परफेक्ट में एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में कैसे यूज़ किया जाता है राइट ये सब मैंने पिछली वीडियोज में बताया था अब देखो मैं आपको सिखाऊँ कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है राइट देखो ये दोनों का यूज़ हम करते हैं एबिलिटी के लिए क्या बच्चे सिर्फ इतना समझते हैं कि कैन का पास क्या होता कुड इसी तरह वो समझते हैं कि मे का पास क्या होता माइट राइट right. लेकिन जब इनमें बात होती तो कन्फ्यूज़न क्या होता है कि इन दोनों का यूज़ कैसे हम करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि कैन का तो यूज़ कुड पास्ट होता ही है बट कुड का यूज़ आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो पास्ट में भी कर सकते हो और फ्यूचर में भी कर सकते राइट right. देखो कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी कैपेसिटी राइट right. जब हम किसी एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन का यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आई कैन टीच यू इंग्लिश राइट आई कैन राइट विथ माय लेफ्ट हैंड राइट तो यहाँ ये क्या शो कर रहा है एबिलिटी राइट यू कैन डू दिस यू कैन क्रैक एसएससी एस मीन्स दैट वॉज एबिलिटी इफ़ आई टॉक अबाउट कैपेसिटी मीन्स फिफ्टीन स्टूडेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दिस क्लास इस क्लास में पचास बच्चे बैठ सकते हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी राइट आई कैन स्पीक एज मैनी एज फाइव लैंग्वेजेस मैं कितनी भाषा बोल सकता हूँ फाइव लैंग्वेजेज़ उसकी क्या है कैपेसिटी राइट वेर एवर यू टेक परमिशन यू कैन यूज़ कैन आई कम इन सर राइट आप ये भी यूज़ कर सकते हो मे आई कम इन बट द डिफरेंस इज़ कि अगर ये इनफॉर्मल है तो कैन का यूज़ करते हैं राइट right? और फॉर्मल होता है तो मेई का यूज़ करते हैं नो द पॉइंट इज़ क्लियर इसी तरह से हम अगर किसी सर्विस या ऑफ़र देते हैं तो भी कैन का यूज़ करते हैं जैसे किसी को आप सर्विस दो कैन आई हेल्प यू ये क्या है एक सर्विस है ओके okay? कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट खाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ लाऊं ये क्या है राइट right? इसी तरह सर्विस अगर मैं देते हो फॉर्मल तरीके से तो बोले मे से शुरू कर सकते हो मे आई हेल्प यू राइट right? तो देखो इन दोनों का यूज़ हम परमिशन के लिए भी करते हैं कैन का यूज़ करते हैं फॉर्मल ओके इनफॉर्मल के लिए और मे का यूज़ फॉर्मल के लिए नो द पॉइंट इज़ क्लियर इसके एक फ्रेज़ल यूज़ होते हैं जो मैंने पिछले क्लास में बताया भी होगा कि जब कभी कांट ंट हेल्प या कंट हेल्प इसके बाद जब कोई वव आए उसे हम कौन से फॉर्म यूज करते हैं आई एन जी राइट ही कांट हेल्प लाफिंग मीन्स वो हंसते बेहद नहीं रह सकता ही कांट हेल्प लाफिंग ही कोड नॉट हेल्प लाफिंग राइट ही कांट हेल्प स्मोकिंग ही कांट हेल्प ड्रिंकिंग ठीक है तो इसे याद रखना क्योंकि बात पूछा जाता है कि वर्फ कौन फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता इसके बाद व कौन से फॉर्म में आएगा राइट right? तो इसे याद रखना है ओके okay? अब बात रही कि कुड का यूज हम कैसे करेंगे तो देखो कुड का यूज कैसे करते हैं एक तो जब हम एबिलिटी पास की करें जैसे मैं बोलूं ही टोल्ड मी दैट ही कैन कैन राइड ए हॉर्स लुक एट दिस सेंटेंस यहाँ पे वर्फ क्या है पास राइट right? तो फिर यहाँ कैन का पास क्या हो जाएगा पे आप कैन नहीं कर सकते वी आर टॉकरली मेहनत क्या हो जाएगा माइट राइट विल के जगह पे क्या हो जाएगा वर्ड okay? <coughs> हाँ, तो ओकेड का यूज हम कैसे करेंगे याद रखो कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन ओके विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस द जनरल एबिलिटी ऑफ प्रजेंट पास्ट एंड फ्यूचर एज वेल राइट कुड जो है ये कैन का पास्ट रूप है जिसका यूज़ हम जनरल एबिलिटी के लिए प्रजेंट या पास्ट और फ्यूचर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं न पॉइंट इज़ क्लियर बट हाउ टू यूज़ द जनरल एबिलिटी इन प्रजेंट और फ्यूचर कुड का यूज़ हम प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे करेंगे ओके तो सी हीयर कुड का यूज़ हम प्रेजेंट में कैसे करते हैं फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ लॉड ऑफ़ मनी ही कोड हेल्प यू ही कोड हेल्प यू वो क्यों तुम्हारी मदद कर सकता बिकॉज ही हैज़ अ लॉड ऑफ़ मनी राइट इफ़ आई से यू हैड बेटर कंसल्ट अड डॉक्टर ही कुड सजेस्ट यू समथिंग राइट अच्छा रहेगा कि तुम तुम्हें चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर से मिलो वो तुम्हें कुछ बता सकता है तो क्या बोलेंगे वहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे राइट यू नो अंडर द बैनर ऑफ आई वी टी मैनी मोर स्टूडेंट्स हैव गॉट सेलेक्टेड एंड यू कुड बी द यू कुड बी द नेक्स्ट हो कुड बी द नेक्स्ट यू कुड भी द नेक्स्ट तो यहाँ किसका यूज़ करते हैं राइट इफ़ यू टॉक अबाउट सी आपने देखा भी होगा लिखा रहता है डोंट टच इट इट डोंट टच अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट इट कुड बी अ बम राइट लवारिश वस्तुओं को न छुए वह बम हो सकते हैं तो so, इस केस में हम किसका यूज़ कर रहे हैं कुड का नो द पॉइंट इज क्लियर कुड का यूज़ आप प्रजेंट भी यूज़ कर सकते हो राइट डोंट टच दिज वायर्स डोंट टच दिज वायर्स राइट दे कुड भी डेंजरस फॉर यू ये खतरनाक हो सकते हैं तार राइट right? मिस हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अगर हम इसको फ्यूचर में कैसे यूज़ करेंगे मैं बोलूँ कुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू हेल्प मी टमो सिंस आई एम ग्रेट नीड ऑफ इट ठीक है कुड इट बी पॉसिबल फॉर यू क्या ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए ओके टू लेंड मी रुपीज़ फाइव थाउजेंड टमोरो वी आर टॉकिंग अबाउट टमोरो क्या ये पॉसिबलिटी है कि आप कर सकते हो मिस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर राइट द पॉइंट इज क्लियर कुड का यूज़ पास्ट में कब करेंगे याद रखो वेन एवर यू एक्सप्रेस द जनरल एबिलिटी ऑफ पास्ट तो कोडिका यूज करते हैं बट इसके लिए एक पास रेफरेंस की जरूरत है होती है किसकी पास्ट रेफरेंस की फॉर एग्जाम्पल आई आई कुड हैव अ कार इन माई चाइल्डहुड हम बात कब की कर रहे हैं स माई चाइल्डहुड राइट आई कुड हैव अ कार ठीक है मेरे पास एक कार हो सकती थी कब की बात हो रही इन माई चाइल्ड हुड हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं ठीक है तो जब पास्ट रेफरेंस देगा इट नीड्स अ पास्ट रेफरेंस ठीक है पास्ट रेफरेंस रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट एबिलिटी ओके मैं बोलूँ आई ट्राइड I tried my best to run fast but I couldn't why I have used here couldn't right आई ट्राइड माई बेस्ट टू रेंट फॉर दौड़ने की मैंने कोशिश की मीन्स पास्ट की बात हो रही है देअ अगर यहाँ पर कैन यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा आई कुड नॉट मैं दौड़ नहीं सका मैं भाग नहीं सका मैंने कोशिश की बट मैं नहीं दौड़ सका राइट right? तो कुड के लिए अगर पास्ट रेफरेंस देते हो तो फिर इसका यूज़ करेंगे नोट द पॉइंट इज़ क्लियर अब याद रखो जब किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो कैन का भी यूज़ कर सकते हैं आप मे का भी यूज़ कर सकते हैं और कुड का भी यूज़ कर सकते हैं right? राइट तो फिर डिफरेंस क्या है वो सेंटेंस डिसाइड करेगा कि वाट काइंड ऑफ सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अगर आपका सेंटेंस फॉर्मल हो राइट right? तो फिर किस तरह से रिक्वेस्ट करोगे मे मे आई रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मई आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ डेली टू कम ऑन द डेज एंड थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक मीन्स हमने क्या किया फॉर्मल रिक्वेस्ट राइट इनफॉर्मल करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे कैन का यूज़ करते हैं राइट कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ ये कौन सा है इनफॉर्मल लेकिन अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट हो तो फिर किसे यूज़ करो कुड कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर ज गिव यट नंबर तो ये दी सेंटें जो है ये क्या, क्या शो कर रहे हैं वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट न पिक्चर इज क्लियर तो आपने कैन और कुड का यूज सीखा राइट right? अब हम जरा बात करते हैं मे और माइट राइट right? कि मे माइट का यूज कब करते हैं याद रखो मे माइट का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए ओके मे एंड माइट ये दोनों यूज किए जाते हैं पॉसिबिलिटी के लिए लेकिन फिर दोनों में डिफरेंस क्या है एक तो ये भी जानते हो कि मे का पास्ट क्या होता माइट बट द डिफरेंस इज इफ आई से कि इट मे इट मे ड्रिजल टू नाइट और इट माइट ड्रिजल टू नाइट इन दोनों में देखो सेंटेंस में डिफरेंस क्या है एज फार एज पॉसिबिलिटी इज कंसर्न तो देखो मे और माइट में डिफरेंस क्या है बच्चे समझ जाते हैं कि ये पास्ट है बट नहीं ये देखो ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता और ये जो है ये कौन सी पॉसिबिलिटी है रिमोट पॉसिबिलिटी रिमोट मीन्स दूर की पॉसिबिलिटी मीन्स लेस पॉसिबिलिटी ओके okay? इसे हिंदी में सुनो इट माई drizzle टू नाइट शायद आज रात रिमझिम बारिश हो सकती है राइट right? रिमझिम बारिश होने की संभावना है बट इन देंट इट माई ड्रिजल टू नाइट रिमझिम बारिश होने की थोड़ी सी संभावना है जब संभावना बहुत थोड़ी सी हो तो क्या लगाओगे माइट का यूज़ करोगे नो द पॉइंट इज़ क्लियर इसी तरह से और भी इसके यूज़ हैं राइट right? जैसे मे का यूज़ हम करते हैं टू एक्सप्रेस विश प्रे एंड कर्स अगर आप दुआएं देते हो ठीक है या प्रार्थना करते हो या बद दुआएं देते हो तो किसका यूज़ करेंगे मे का यूज़ करेंगे राइट right? जैसे मे गॉड ब्लेस यू मे यू लिव लॉन्ग मे इंडिया विन द मैच मे यू गेट वेल सून, राइट मे यू रिकवर सून, मे इट बी सो ऐसा ही हो राइट right? इस जितनी दवाएं देने क्या लगाओ मे का यूज बद के लिए यूज करते हैं मे योर हाउस को मे यू नेवर गेट सेलेक्टेड राइट तो दवा के लिए भी यूज किया जाता है अब में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं माय पेरेंट्स विस्ट मी दैट आई That I may live long. Be careful की यहाँ बात कब की हो रही है पास्ट की तो यहां पे हम मे का यूज नहीं करेंगे मे का पास्ट क्या हो जाएगा माइट ठीक है तो मेरे लंबे उम्र की दुआएं कौन की बताओ मम्मी एंड पापा राइट right? मे और माइट का एक यूज देखो माइट जो है याद रखो माइट इज़ आल्सो ए नाउन माइट और क्या होता है माइट इज आल्सो यूज एज ए नाउन विच मीन्स पावर ठीक है जैसे माइट इज राइट मीन्स जिसकी लाठी उसकी बैच जो शक्तिशाली है तो इसको नाउन की तरह भी यूज़ किया जाता है याद रखो जैसे मैं बोलूँ माइट इंडियन आर्मी इज़ वेल नोन टू इट्स नेबरिंग कंट्री भारतीय शक्तिशाली सैनिक ओके ये अच्छी तरह से जाने जाते हैं इनके पड़ोसी देशों में ठीक है तो शक्तिशाली और ताकत के लिए भी हम क्या यूज करेंगे इसी से बनाए वर्ड माइटी टी ऑल माइ राइट अब देखो जरा हम बात थोड़ी करें शुड मस्ट और हिंदी में तो बच्चे याद कर लेते चाहिए राइट right? अब जहां भी सेंटेंस में सेंस वो बैठाते हैं क्या वो चाहिए का सेंस आ रहा है या नहीं बट इनमें डिफरेंस क्या है कि देखो शुड और मस्ट में क्या डिफरेंस है ये जो होता है ये क्या वीक फॉर्म बट मस्ट स्ट्रॉ फॉर्म, राइट मस्ट इज़ द इस्ट्रॉ फॉर्म ऑफ शुड याद रखोगे विच इज़ यू नो यूज़ टू एक्सप्रेस नेसेसिटी रिक्वायरमेंट याद रखोगे शुड का यूज़ हम कब करेंगे शुड इसका यूज़ जब हम करेंगे हमें जब दिखाना हो क्या नेसेसिटी रिक्वायरमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल देर शुड बी अब बैन ऑन स्मोकिंग शुड देयर बी अ बैन ऑन स्मोकिंग क्या इसकी रिक्वायरमेंट है नेसेसिटी है तो क्या यूज़ करो शुड का यूज़ करो राइट

ओके okay, जैसे मैं बोलूँ ऑल स्टूडेंट्स शुड बी इन एंड आउट ओके ऑन टाइम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समय पे आना चाहिए और समय पे जाना चाहिए बट हमारे कहने का टोन कैसा है ये सिर्फ वीक फॉर्म है राइट right? लेकिन इसके बाद भी अगर बच्चे देर से आते हैं तो फिर थोड़ा तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में स्ट्रॉन्ग लहजे में बोलना होगा वो क्या है ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी इन एंड आउट ऑन टाइम द पॉइंट इज़ क्लियर इफ आई से

For an example, the rich should help the poor, right? The have should help the have-nots. The young should respect the old, and the old should love the young. Okay, one, you know, और द तो शुड का जो जनरल सेंस है वो क्या है नेसेसिटी है चाहिए बट अगर उसमें obligation mention कर रहे हो ठीक है जो हमारा कर्तव्य है अगर हम वो mention करना चाहते हैं तो फिर क्या यूज़ करो आउट टू राइट जैसे यू आउट टू ओके okay? यू आउट टू हेल्प द पुअर यू आउट टू हेल्प द नीडी द पॉइंट इज़ क्लियर तो आउट टू का यूज़ कब करेंगे अब देखो हिंदी में चूँकि इसका मीनिंग भी आता चाहिए इसका मीनिंग भी आता चाहिए इसलिए बच्चे नहीं समझ पाते मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये रिक्वायरमेंट हो नेसेसिटी हो शुड लगाओ बट ऑब्लिगेशन हो या सोशल ड्यूटीज़ हो मॉरल ड्यूटीज़ हो तो क्या लगाओ आउट टू का यूज़ करो द पॉइंट इज़ क्लियर मैं कहूँ ओके okay, कि यू आर नॉट फाइन यू आर अनवेल यू आउट टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर क्लियर वी ऑट टू रेस्पेक्ट वीमेन वी ऑट टू हेल्प दोज हु आर हेल्पलेस द पॉइंट इज क्लियर ओके बट शुड का यूज कैसे कर सकते शुड का यूज़ कर सकते ने जैसे मैं यूज़ करूँ कि द टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड वन शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर राइट वन शुड लव वंस कंट्री इस तरह यूज़ कर सकते हो उसका राइट अब देखो हम बात करें मस्ट मस्ट समझ गए मस्ट का यूज कर पाएंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म लेकिन एक और याद रखो मस्ट इज ऑल्सो नाउन क्या है मस्ट इज ऑल्सो नाउन इट इज यूज एज नाउन ओके जिसका मीनिंग कंपल्शन होता है जैसे इट इज अ मस्ट इट इज अ मस्ट हियर मस्ट इज यूज एज नाउन अब जो बच्चे इसको नहीं जानते कि मस्ट क्या नाउन की तरह भी यूज़ होता है वो समझते हैं इस पार्ट में एरर है राइट और उस पार्ट में वो एरर निकाल देते हैं आपको याद रहे कि मस्ट मॉडल वर्ब भी होता है राइट मॉडल वर्ब में यूज़ शुड का स्ट्रॉन्ग फॉर्म की तरह होता है बट ये जब नाउन का यूज़ होता है इसका मतलब अनिवार्य है राइट यू नो एडमिट कार्ड इज़ अ मस्ट टू अपीयर इन द एग्ज़ाम राइट तो अभी मैं सिर्फ इसका क्लियर कट कंसर्ट बता रहा हूँ राइट फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे तो सेंटेंस के अनुसार आपको फिल करना होगा देखो लास्ट पार्ट जो मैं बता दो इसमें यूज़ टू वुड एंड यूज़ टू उसके बाद फिर मैं डेयर एंड नीट पर चर्चा करेंगे ठीक है देखो वुड और यूज टू बोथ आर यूज देखो वुड के तो बहुत सारे यूसेज हैं राइट लेकिन जब मैं इससे रिलेट करूँ यूज टू तो बोथ आर यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट राइट जब हम पास्ट के हैबिट को इंडिकेट करते हैं तो क्या यूज करेंगे वुड या यूज टू फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू आई यूज टू प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेला करता था मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट हैबिट इफ आई से आई वुड प्ले क्रिकेट तो इसका मीनिंग नहीं हुआ मैं क्रिकेट खेला करता था अनलेस एन यू एड पास्ट रेफरेंस ओके तो यू मस्ट बी वेरी मच श्योर कि जब पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करेंगे तो वो यूज टू का तो आप यूज़ डायरेक्ट कर सकते हो बट वुड का यूज़ पास्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए एक पास्ट रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी राइट right. तो so जब कभी वुड का यूज़ पास्ट हैबिट के लिए करो तो एक पास्ट रेफरेंस दो आई वुड प्ले क्रिकेट इसमें ऐड कर दो वेन आई वॉज़ अ चाइल्ड विना वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले क्रिकेट जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था राइट बट इट डजेंट रिक्वायर एनी रेफरेंस राइट यूज़ टू के लिए कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है राइट right? भाषण में आ गई मैं कहूँ महात्मा गांधी यूज टू स्पिन एवरी मॉर्निंग महात्मा गांधी सूद काटा करते थे चरखा चलाया करते थे पॉइंट क्लियर आई यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर बट अगर वुड का यूज़ करना तो वेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड स्विम अक्रॉस द रिवर राइट वुड के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत होगी लेकिन जो रेफरेंस ऑल फ्रेंड एग्जाम्पल ए पी जे कलाम हु इज़ नो मोर अब तो इस दुनिया में नहीं है द वर्ल्ड नोज तो उनके लिए कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो ओके कि ए पी जे कलाम वुड विजिट इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री एंड ही वुड ऑलवेज ट्राई टू इनक्रेज चिल्ड्रेन राइट वो गाँव में कोने कोने विज़िट क्या करते थे लोगों बच्चों को क्या करते थे इनक्रेज किया करते थे तो इस केस में फिर वुड का यूज आप कर सकते हो नो द पॉइंट इज क्लियर समझ में बात आई यूज टू तो और वुड का यूज हम थोड़ी सी बात मैं आपको और जरा बता दूं देखो यूज टू आई यूज टू प्ले आई से आई एम यूज टू प्लेइंग हियर बोथ सेंटेंसेस आर राइट राइट आपको याद क्या रखना है ये जो यूज टू है ये यूज टू जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था ये कौन सा वर्व बताओ मॉडल वर्ब राइट और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब कौन से फॉर्म में आता है फर्स्ट फॉर्म राइट तो आई यूज टू प्ले मैं क्रिकेट खेला करता था ये ये देखो एम जो है ये बी का रूप है यूज टू मतलब होता है हैबिचुएटेड या अकस्टम ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है राइट right? अब इसके साथ प्रीपोजिशन क्या है टू और या, आपको याद रहे कि इफ़ अ वर्व इज़ इमीडियटली यूज आफ्टर प्रिपोजिशन तो वो जेरन फॉर्म लेता है जिसे हम कहते हैं वर्व आई एन जी राइट तो आई एम यूज टू प्लेइंग मिस मुझे खेलने की आदत हो गई है आई यूज़ टू प्ले मैं खेला करता था दैट्स अ बिग डिफरेंस राइट याद रहे यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कहाँ पे क्या रखना है ठीक है तो इस तरह से आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल हफ्त के बारे में बताया ठीक है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है एक पार्ट और जो है इसका मॉडल वर्फ का रह गया वो क्या डेयर एंड नीड जो कि उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है राइट चूँकि डेयर एंड नीड को हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्क की तरह भी और मेन वर्क की तरह फिर बच्चे कन्फ्यूज़ कर जाते हैं तो उम्मीद है मुझे अगले वीडियोज़ में मैं है ना जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं मॉडल वर्क डेयर और नीड पर चर्चा करेंगे सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्रैक्टिसिंग ओके दैट्स ऑल थैंक यू